मोदी जी आप फकीर हैं, झोला उठाकर जा सकते हैं, आपने कहा था खुद ही। जाते जाते हम आपका झोला भी चेक करेंगे जिसमें रेल भेल तेल जहाज एयरपोर्ट एयरलाइन सेल और यहाँ तक कि सड़कें लाल किला ये सब गिरवी हो चुका है। राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनाने से कोई शिक्षक तो हो जाएगा, कोई स्वयं तो वैसे भी था धर्म का खतरे में था। केजरीवाल ने ईमानदारी का कवच ओढ़ रखा है इसलिए विपक्ष जब भी आता है टकरा के वापस चला जाता है। बाहर से लोग इलाज करने आते हैं, पढ़ने यहाँ आते हैं, यहाँ पे रोजगार करने आते हैं। दिल्ली में कुछ तो बात होगी जब लोग आ रहे हैं इतने सारे। लोग सच बोलते हैं, मीडिया झूठ दिखाता है। वायरल गर्ल, आपने इनको कहीं ना कहीं देखा होगा, ये लगातार जो है सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलती रहती हैं। लेकिन आज ये हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी बन चुकी है, तो हम इनसे बातचीत करें, आप इस पे क्या सोचती हैं? देखिए हमारे बहुत खुशी की बात है, अभी हम जश्न मना के आए हैं आम आदमी पार्टी दफ्तर में। हमारे नायक केजरीवाल जी भी आए थे और उन्होंने हमारे को बताया कि हमारे मेरे लहू का कतरा कतरा देश के काम आना चाहिए और हम ईमानदारी की सरकार है, ईमानदारी का प्रतीक है। केजरीवाल ने ईमानदारी का कवच ओढ़ रखा है इसलिए विपक्ष जब भी आता है टकरा के वापस चला जाता है। आपको लगता है आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार मुक्त है? देखिए बिल्कुल आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त है और बिल्कुल कह सकते हैं जो आरोप लगाए जाते हैं वो तो बेबुनियाद है। सत्येंद्र जैन जेल में है और सिसोदिया जी जेल में है, देखिए तमाम लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए किसान भी प्रोटेस्ट करते हैं उनके खिलाफ कि दिल्ली सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, डीटीसी बस वाले उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, ये सारी चीजें। और महिलाओं को लेके आए दिन कुछ ना कुछ दिल्ली में होते रहा है, उसको लेके आप दिल्ली में इतना नहीं होता जितना उत्तर प्रदेश में होता है, ये सब जानते हैं। आपको देख के लगता है कि आप मोदी बीजेपी के खिलाफ है और आम आदमी को सपोर्ट करती है, क्यों? ऐसी बात नहीं है, बीजेपी की नीतियाँ गलत हैं, बीजेपी का काम, सारी नीतियाँ गलत। देखिए कोई आप अच्छे काम बताइए, आप बता सकते हैं मेरे को कोई अच्छे काम? राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बनाने से कोई शिक्षक तो हो जाएगा, कोई स्वास्थ्य, धर्म तो बच रहा है हमारा। धर्म बचने से क्या होगा, धर्म तो वैसे भी था, धर्म का खतरे में था, धर्म तो कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र खतरे में। हिंदू राष्ट्र कहीं खतरे में नहीं है, सबकी अपनी अपनी मान्यता है, कोई कुछ भी फैला रहा है और ये जो अंधभक्त अभी गलत बातें फैला रहे हैं उनके मुंह पे तमाचा है कि, और अब सब कह रहे हैं राम मंदिर बना दिया। जब राम मंदिर, मेरे को अभी भी याद है कि जब मिश्रा जी की कलम चली थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, और तब उन्होंने सिर्फ अयोध्या में राम मंदिर का ही नहीं बोला था, एक मस्जिद का भी बोला था। मस्जिद तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, कहाँ मस्जिद है? शरद पवार को आप जानती होंगी, उन्होंने कहा है कि विपक्षी पार्टियां जो हैं बीजेपी को टारगेट कर रही है, जेपीसी की जो गठन है, जो मांग है वो बेबुनियादी है। देखिए बीजेपी अब तो टारगेट में होगी, 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं। मैं हमेशा मोदी जी को कहती हूँ, मोदी जी आप फकीर हैं, झोला उठाकर जा सकते हैं, आपने कहा था खुद ही, मैं फकीर हूँ झोला उठाकर जा सकता हूँ। तो मोदी जी आप चले जाइए, आपकी फकीरी हमने देख ली है, अब जाते जाते हम आपका झोला भी चेक करेंगे जिसमें रेल भेल तेल जहाज एयरपोर्ट एयरलाइन सेल और यहाँ तक कि सड़कें लाल किला ये सब गिरवी हो चुका है। शरद पवार को आप क्या कहना चाहेंगे, जो लगातार पहले बीजेपी के खिलाफ बोलते थे आज उनके सपोर्ट में बोल रहे हैं? देखिए रंग बदलो क्रिकेट होते हैं कई, तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी, मैं पर्सनल उनसे कोई दिक्कत नहीं, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन एक पार्टी में रहना, पहले उसका विरोध करना उसके बाद उसके समर्थन में उतर जाना, फिर इनको रंग बदलो क्रिकेट कहते हैं। अभी लगातार जो है आम आदमी पार्टी शिक्षा को लेके बहुत ज्यादा है कि डिग्री दिखाओ, उसी पे शरद पवार ने कहा है डिग्री दिखाने के बजाय आप इस पे बात कीजिए कि शिक्षा कैसा है, बेरोजगारी कितनी है। आपको लगता है कि डिग्री के अलावा ये सारी बातें भी करनी चाहिए? बिल्कुल, हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, शिक्षा दिल्ली में सबसे नंबर वन है, जब ट्रंप की भी मोहब्बत की नगरी नहीं देखने से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूल हैप्पीनेस मॉडल देखने आते हैं। बिल्कुल बेरोजगारी जब से 2014 के बाद से बेरोजगारी का काल सबसे ज़्यादा आया है, ठीक है। स्वास्थ्य दिल्ली में ही ऐसा है कि आप सब जानते हैं, हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो हम बिल्कुल जानते हैं, उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए अच्छी है, वहाँ से लोग इलाज करने आते हैं, पढ़ने यहाँ आते हैं, यहाँ पे रोजगार करने आते हैं। दिल्ली में कुछ तो बात होगी जब लोग आ रहे हैं इतने सारे। नहीं, आपने कहा कि दिल्ली अभी नेशनल पार्टी बन चुकी है, क्या वजह है इसका? देखिए जनता को केजरीवाल से प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, क्योंकि केजरीवाल अच्छा काम करते हैं, जब अच्छा काम कोई करेगा तो ऑब्वियसली हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन
अब सिर्फ दिल्ली में ही नहीं है, पंजाब में भी नहीं है, अब पूरे देश की पार्टी बन चुके और जाना माना नाम हो गया। सिर्फ तीन पार्टी राज पार्टी है, उन तीन में से एक नाम केजरीवाल का भी है। आपने अभी कहा कि पढ़ा लिखा, जैसे कि आप आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो हमला कर रही है मोदी जी की डिग्री पे, तो आपको क्या लग रहा है कि डिग्री होना जरूरी है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री बनने के लिए, क्योंकि बहुत लोग गरीब हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। बिहार की जो मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो क्या देश चलाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। एक होता है पढ़ा लिखा, एक होती है कॉमन सेंस, जिसमें कॉमन सेंस जरूरी नहीं है वो पढ़ा लिखा। पढ़ा लिखा होना जरूरी, मैं ये नहीं कह रही कि जरूरी नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस भी होती है। वो हमारे मोदी जी कभी कहते हैं नालियों में से गैस निकल रही है उससे चाय बनाओ, बारिश आ रही है तो दूसरे देश पे आक्रमण करो। अगर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो ये नहीं होता। और जहाँ बात रही डिग्री की, तो डिग्री में जो उन्होंने कंप्यूटराइज्ड राइटिंग है वो 1983 में नहीं थी, ठीक है। अल्फाबेट्स जो है, कर्सिव राइटिंग है, वो 2000 में आई है। यूनिवर्सिटी आप देखोगे ना, ऊपर लिखा है गुजरात यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी लिखा है। इतनी बड़ी गुजरात की यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग नहीं आती, वी की जगह उन्होंने बी लिख रखा है, बी फॉर बैक। आपको लग रहा है जो राहुल गांधी ने जो कहा था, राहुल गांधी ने अभी बोला है लोकतंत्र खतरे में, उनकी सदस्यता चली गई, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अभी 13 तारीख सुनवाई होगी, हम उस पर गौर फरमाएंगे और देखते हैं। लोकतंत्र खतरे में है आपको लग रहा है? जी बिल्कुल, लोकतंत्र खतरे में है 2014 के बाद से। और पहले मैं कहती हूँ ना, मीडिया 2014 से पहले सच दिखाता था, लोग झूठ बोलते थे। अब लोग सच बोलते हैं, मीडिया झूठ दिखाता है। आपने मीडिया पे बहुत बड़ी बात कही है, लेकिन आपको एक बात बता दूं कि सारी विपक्षी पार्टियां जो है एकजुट हो रही हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार 2024 में क्या हो? देखिए झुंड में तो बकरियां भेड़ ऐसे आते हैं, शेर तो अकेले चलता है, और शेर अभी सबको दिख रहा है कि कौन है। केजरीवाल शेर है, बिल्कुल शेर है, अकेले अपने दम पर, वन मैन आर्मी ने अकेले अपने दम पर 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बना दी, तो शेर ही है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केजरीवाल और मोदी एक ही जैसा काम कर रहे हैं। देखिए वो तो आने वाला समय बताएगा कि कौन कैसा काम कर रहा है। सब किसी के आंखों पे हम पर्दा नहीं डालते ना, हम अंधभक्त है, हम सच के साथ हैं, हम केजरीवाल के सिपाही हैं, हम सच के साथ। एक लास्ट सवाल है कि दिल्ली सरकार में बच्चों के साथ बलात्कार जो है वो काफी हो रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें सुधार होना चाहिए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? इसके आंकड़े मंगवाए जाए, किसी दिन मैं आंकड़े लेके आऊंगी। विदाउट लॉजिक तो मैं बात ज्यादातर नहीं करती हूँ, अगली बार आएंगे मिलेंगे तो आंकड़े दिखाऊंगे कितने यूपी में बलात्कार हुए और कितने दिल्ली में। दिल्ली में इतने बलात्कार नहीं है जितने यूपी में है, तो यूपी में ज्यादा रोक लगानी चाहिए, यूपी में ज्यादा कानून फोकस के रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी जो है राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, और ये हमारे साथ जो लड़की थी वो बहुत अच्छा बोलती है सरकार की नीतियों के खिलाफ, सरकार के अच्छे काम के सपोर्ट में भी बोलती है, हालांकि ये अभी आम आदमी को सपोर्ट कर रही है। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये जो कह रही है केजरीवाल के लिए वो सही कह रही है, गलत कह रही है? आपकी पूरी इस खबर पे क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।